प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिटार्डेशन प्लेट्स। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में वो आप जरूर देखिएगा, उसमें हमने थ्योरी पढ़ी थी सर्कुलरली या फिर इलिप्टिकली या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे डेवलप होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम रिटार्डेशन प्लेट्स की ही बात करेंगे। रिटार्डेशन प्लेट एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होते हैं जिसका ऑप्टिक एक्सिस उसके रिफ्रैक्टिंग फेस के पैरेलल होता है, और जिसमें से जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं तो वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज में स्प्लिट होती है, और दोनों के बीच में ये प्लेट जो है एक रिक्वायर्ड फेस डिफरेंस डाल देती है, जो कि आगे चल के हमें हाफ वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट बनाने में काम आती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज होती हैं। चलिए देख लेते हैं कि हमारी ये रिटार्डेशन प्लेट होती क्या है, यानी कि क्या है। इट इज दी डबल रिफ्रैक्टिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स। यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स वो होते हैं जिनमें एक सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होता है। ये भी देख लीजिए, हूज ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू दी रिफ्रेक्टिंग फेस एंड थिकनेस इज सच दैट इट इंट्रोड्यूस रिक्वायर require phase difference between ordinary and extraordinary rays। पहले बच्चों, ये retardation plate है। बेसिकली हम दो तरह की retardation plates की हम बात करेंगे, एक क्वार्टर वेव प्लेट और एक होगी हाफ वेव प्लेट। कैसे बनती है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उनका यूज क्या है, वो वन बाई वन करके हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात कर लेते हैं कि क्वार्टर वेव प्लेट। बात करेंगे दो तरह की रिटार्डेशन प्लेट ज्यादा पॉपुलर होती हैं, एक है क्वार्टर वेव प्लेट और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव प्लेट। तो ये क्या होती है क्वार्टर प्लेट, ये यही है, आप इसको यही कहेंगे, ये एक डबल रिफ्रैक्टिंग प्लेट होती है जो कि थिकनेस इस तरह से होती है कि जो पाई बाई टू या काफी डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर देती है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज के बीच में, या फिर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू इंट्रोड्यूस कर देती है। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि इट इज द डबल रिफ्रैक्टिंग, जैसा कि हमने यहां रिटार्डेशन प्लेट की है, डबल रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल प्लेट हैविंग थिकनेस एक, ये बात भी आपको लिखना है, हूज ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग फेस। एंड ऑफ थिकनेस, और उसकी थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस इस तरह से होती है टू इंट्रोड्यूस, तो हम जानते हैं कि थिकनेस के वेरिएशन के साथ साथ वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज के बीच में फेस डिफरेंस डाल देती है। तो इसकी थिकनेस इस तरह से होती है टू इंट्रोड्यूस द फेस डिफरेंस
between ordinary and extraordinary rays. अब ये बात आपने देखी फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, म्यू नॉट एंड म्यू ई आर दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये ऑर्डिनरी रे के लिए है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए. आर दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज रेस्पेक्टिवली. और उस क्रिस्टल की जो थिकनेस है जो कि पाई बाई टू का फेज डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के बीच में डालता है वो थिकनेस पी है, थिकनेस ऑफ क्रिस्टल. द पाथ डिफरेंस between ordinary and extraordinary rays ये कितना हो जाएगा ये देखिए, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर भी दो बातें हम लेके चलेंगे. देखिए दोनों में अलग अलग आएगा. अगर मान लो फॉर नेगेटिव क्रिस्टल है, नेगेटिव क्रिस्टल आप जानते हैं नेगेटिव क्रिस्टल सच इज कैल्शियम, ये कैल्साइट जो है नेगेटिव क्रिस्टल है, इसके लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ऑर्डिनरी रे का वो ज्यादा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. तो ऐसे केस में हम ये जो पाथ डिफरेंस हमारे पास आएगा, दिस पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय बिटवीन ऑर्डिनरी म्यू नॉट टी माइनस म्यू नॉट ई इंटू टी, ये हो जाएगा. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं म्यू नॉट माइनस म्यू ई इंटू टी, दिस इज द पाथ डिफरेंस. और अब देखिए अगर ये हमारी जो क्वार्टर है, जो हमारी रिटार्डेशन प्लेट है, ये क्वार्टर वेव प्लेट की तरह बिहेव कर रही है, तो फिर फेज डिफरेंस कितना होता है उसमें पाई बाई टू. तो यहाँ फेज डिफरेंस या फिर पाथ डिफरेंस कितना होता है लैम्डा बाई टू. या मैं ये लिख रहा हूं इफ दिस प्लेट एक्ट एज ए क्वार्टर वेव प्लेट प्लेट, तो ये पाथ डिफरेंस जो है ये कितना होता है लैम्डा बाई फोर. और इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू वी कैन राइट हियर दैट म्यू नॉट माइनस म्यू ई इनटू टी इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई फोर. और यहां से हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू नॉट माइनस म्यू ई इनटू फोर. ये किसके लिए है, ये नेगेटिव क्रिस्टल्स के लिए है कि अगर हम रिटार्डेशन प्लेट को नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्वार्टर वेव प्लेट बनाना चाहते हैं तो इतनी थिकनेस होनी चाहिए. अब हम दूसरे उसकी बात कर लेते हैं फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल्स और पॉजिटिव क्रिस्टल्स में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो पाथ डिफरेंस हमारा होगा दैट पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू म्यू ई माइनस म्यू नॉट इनटू टी. और क्वार्टर वेव प्लेट की तरह एक्ट कर रही है ये पॉजिटिव क्रिस्टल, तो फिर ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा लैम्डा बाय टू. हम यहां पर ये कह पाएंगे कि ये दोनों चीजें यानी कि म्यू ई माइनस म्यू नॉट इनटू टी इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू. और यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी T is equal to lambda divided by 4 into mu e minus mu. तो प्यारे बच्चों ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए है जो कि पॉजिटिव क्रिस्टल है, उससे अगर हमें बनाना हो क्वार्टर प्लेट क्वार्टर वेव प्लेट तो ये थिकनेस लेंगे, और अगर हम नेगेटिव क्रिस्टल जैसे कैल्साइट से है तो उससे थिकनेस यहां से निकालते हैं. तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी क्वार्टर वेव प्लेट. अब हम देख लेते हैं कि क्वार्टर वेव प्लेट का यूज क्या क्या है. Uses of quarter wave plate. There are following uses. Quarter wave plate basically elliptical या फिर circularly polarized light produce करने के काम आती है. यानी कि पहला यूज यही है. It is used to produce. जो चल के अगले लेक्चर से हैं उसमें हम आपको बताएंगे. It is used to produce elliptical. कली
एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। कैसे? फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए मैं बात बताता हूं कि अगर ये देखिए कि अगर फाई की वैल्यू 45 डिग्री है, यानी कि थीटा की हम बात करते हैं, अगर थीटा जो इंसिडेंस है वो 45 डिग्री के बराबर है और जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई थ्री ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में, तो फिर जो लाइट है, जैसा कि हमने थ्योरी में आपको बताया था, जो इमरजेंट लाइट होगी क्वार्टर वेव प्लेट से वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगी, यानी सर्कुलरली पोलराइज लाइट होगी। पहली बात, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑप्टिक एक्सिस के साथ वो 45 डिग्री होना चाहिए, तो फिर थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए कि जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई टू हो। और दूसरी कंडीशन देखिए मेरे बच्चों कि इफ थीटा इज नॉट 45 डिग्री, 45 नहीं है मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का नहीं है, लेकिन जो फेज डिफरेंस है वो उसके थिकनेस के हिसाब से 90 डिग्री ही है, तो फिर जो लाइट होगी क्वार्टर वेव प्लेट से जो निकलने वाली है उसे इमरजेंट लाइट जो होगी वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी, यानी कि इलिप्टिकली पोलराइज्ड। यार बच्चे एक यूज तो आपने ये देखा, अच्छा एक यूज और देखते हैं, अगर हम क्वार्टर वेव प्लेट को निकल प्रिज्म के साथ यूज करते हैं तो ये एज एन एनालाइजर भी यूज के रूप में भी होती है, यानी कि जैसे आपने देखा निकल प्रिज्म प्लेन पोलराइज लाइट को चेक करता है कि वो लाइट पोलराइज है या नहीं है, तो ये सर्कुलरली और इलिप्टिकली लाइट रेज को चेक करने के लिए ये क्वार्टर वेव प्लेट के अंदर से अगर हम सर्कुलरली पोलराइज लाइट पास करते हैं तो फिर वो लीनियरली पोलराइज में कन्वर्ट हो जाती है, इसी तरीके से अगर हम इलिप्टिकल पोलराइज लाइट को क्वार्टर वेव प्लेट से पास करते हैं तो वो भी लीनियरली पोलराइज हो जाती है, और उसके बाद आप निकल प्रिज्म यूज करते हैं तो उससे हम इसको एज एन एनालाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि विद द निकल प्रिज्म द क्वार्टर वेव प्लेट कैन बी यूज्ड एज एन एनालाइजर, इट कैन बी यूज्ड एज एनालाइजर। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी क्वार्टर वेव प्लेट, अब हम एक और रिटार्डेशन प्लेट की बात कर लेते हैं और वो है हाफ वेव प्लेट। बच्चों ये भी एक डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है और जिसका जो थिकनेस होती है वो इस तरह से होती है कि वो पाई का फेस डिफरेंस ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के बीच में इंट्रोड्यूस कर देता है, या फिर लैम्डा बाई टू का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर देता है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, और ये भी यूनिएक्सियल क्रिस्टल ही होता है जिसका एक ही ऑप्टिक एक्सिस होता है जो कि उसके रिफ्रैक्टिंग फेस के पैरेलल होता है, यानी कि आप हाफ वेव प्लेट को क्या कहोगे, इट इज डबल रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल हूज ऑप्टिक एक्सिस इज पैरेलल टू the refracting face and thickness कैसी होती है, आपको बताया था thickness is such that thickness इसकी इस तरह से होती है is such that to introduce जो introduce कर सके introduce the phase difference फेस, मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, फेस डिफरेंस पाई और पाथ डिफरेंस डिफरेंस लैम्डा बाई टू फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, ये इसी तरीके से होती है जैसे कि आप देखते हैं मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये जैसे ही नॉर्मल इंसिडेंस इस पर करते हैं ये ऑप्टिक एक्सिस है, तो यहां से ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज डेवलप होती हैं जो मैंने बताया था आपको,
और ये जब इसके ऊपर से लीनियरली पोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है तो इमरजेंस के बाद यहाँ पर ये जो है इसकी थिकनेस इस तरह से होती है कि ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज जो इसे बाहर निकलती हैं उनके बीच में लैम्डा बाई टू का डिफरेंस या फिर पाई का फेस डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर देती हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में पहले ये लिखेंगे लेट अस सपोज दैट म्यू नॉट एंड म्यू ई आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज ऑफ दिस क्रिस्टल मटेरियल एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल। और ये देखिए अगर हम बात करते हैं फॉर नेगेटिव क्रिस्टल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो वह हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। अब ये बात यहां लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज इज गिवन बाय ये कितना होता है वो देख लीजिए दैट इज इक्वल टू क्योंकि ये ज्यादा है तो म्यू नॉट टी माइनस म्यू नॉट ई टी। और यहां से हम इस पाथ डिफरेंस से ये देखिए म्यू नॉट माइनस म्यू ई इंटू टी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात जैसा कि हम पहले बता रहे हैं कि ये जो रिटार्डेशन प्लेट जो कि हाफ वे प्लेट की तरह एक्ट कर रहा है कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए ये लैम्डा बाय टू होना चाहिए यानी कि इफ इट एक्ट यानी ये जो रिटार्डेशन प्लेट है एक्ट एज हाफ वे प्लेट देन तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए देन दिस पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाय टू ऑन इक्वेटिंग दिस टू म्यू नॉट माइनस म्यू ई इंटू टी इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू ये लिख सकते हो। यहां से हम पी की वैल्यू निकालेंगे लैम्डा बाई टू इंटू म्यू नॉट माइनस म्यू ई ये लिख सकते हो। अगर हम किसी रिटार्डेशन प्लेट जो कि नेगेटिव क्रिस्टल है जैसे कि कैल्साइट है उससे अगर हम हाफ ए प्लेट बनाना चाहते हैं तो इतनी थिकनेस होनी चाहिए और गिवन वेवलेंथ तो ये चीज आप देख सकते हैं। अगर ये सपोज कीजिए ये हमारा पॉजिटिव क्रिस्टल है तब क्या होगा फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल जैसे पॉजिटिव क्रिस्टल्स आप जानते हैं क्वार्ट्स जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं इनके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे remains greater than the refracting index for the ordinary ray. इस केस में जो path difference बनेगा that path difference must be equal to mu e minus mu naught into t. If this retardation plate act as a half wave plate, then it will be equal to lambda by 2. On equating these two equations, इन equations को आप equate कर दीजिए पहले की तरह, तो हम क्या लिखेंगे? mu e माइनस म्यू नॉट इंटू टी इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू यानी कि इस टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू इंटू म्यू ई माइनस म्यू नॉट ये वाली ये है हमारा थिकनेस फॉर द पॉजिटिव क्रिस्टल्स और ये जो थिकनेस है फॉर नेगेटिव क्रिस्टल जिनसे हम हाफ वेव प्लेट बनाना चाहते हैं। तो कह रहे ये आपने थ्योरी देखी हाफ वेव प्लेट की अब हम इनकी यूज देख लेते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाफ वे प्लेट यूजेस ऑफ हाफ वे प्लेट हाफ वे प्लेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्लेन पोलराइज्ड और लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इट इज यूज्ड सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द हाफ वे प्लेट इट इज यूज्ड टू produce linearly polarized light और इसके साथ साथ इट इज यूज्ड टू रिवर्ट टू चेंज आप कह सकते हैं the angle
or rotate the plane of polarization. From theta to minus theta, यानी कि theta से minus theta, एक तरह से by plane of polarization को 2 theta angle पर rotate कर देता है. इसीलिए half wave plate को हम use करते हैं. So it is used in polarimeter. इसका बहुत ज़्यादा use हम आगे चल के पढ़ेंगे कि polarimeter क्या होता है. पोलरीमीटर में इसका यूज होता है एज ए हाफ सेल डिवाइस. तो प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तैयार कर लिया. क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द रिटार्डेशन प्लेट, या फिर व्हाट आर द क्वार्टर वेव प्लेट. Write down its construction, its theory, etc. And what are the uses of the quarter wave plate. Similarly, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what is a half wave plate and how it can be construct and what are the uses of the half wave plate. तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही. एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका तैयार हो गया होगा, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप इस चैनल के बारे में बताएं, इसे शेयर करें. और पूरा सिलेबस हम आपका पढ़ाने वाले हैं, और कौन सा आर्टिकल आपको चाहिए सब्सक्राइब करने के बाद वो कमेंट्स आप हमें ज़रूर भेजें, तो हम उसका वीडियो जो आर्टिकल आपको समझ में नहीं आया है वो भी जल्दी ही अपलोड कर देंगे. और मैं तमाम जो आपके कमेंट्स आते हैं उन्हें ज़रूर पढ़ता हूँ. हालांकि सबका जवाब कई बार नहीं दे पाते हैं, लेकिन उसे आने वाली वीडियो में जो भी आपके सजेशंस होते हैं उन्हें जरूर इंट्रोड्यूस करते हैं. प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारा इसी यूनिट से संबंधित रहेगा. वो रहेगा प्रोडक्शन एंड डिटेक्शंस ऑफ द इलिप्टिकल एंड सर्कुलरली प्लेन एंड पोलराइज्ड लाइट. तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा. नेक्स्ट